हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम इसका सत्र में है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ और डिजीज की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डिजीज, पैथोजेनिक डिजीज, नॉन पैथोजेनिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, क्रोनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद हमने पढ़ा पैथोजन के टाइप के बेसिस पर डिजीज का क्लासिफिकेशन, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, फंगल डिजीज, बोर्न डिजीज, और उनमें हम दो दो डिजीज का एग्जांपल लेकर डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। हमने बैक्टीरियल डिजीज में टाइफॉइड और निमोनिया, उनके कैरेक्टर, सिम्टम्स सारे अलग अलग आपको लिखना है, जैसे आपको नोट सेंड किए गए उस हिसाब से लिखना था। उसके बाद वायरल डिजीजेज में कॉमन कोल्ड हमने पढ़ लिया, एड्स आगे अलग से टॉपिक आएगा। प्रोटोजोन डिजीज के अंदर अमीबियासिस और मलेरिया, मलेरिया का जो पैरासाइट है जो डाइजेनेटिक होस्ट में ग्रो करता है, उसके अंदर किस तरह से ह्यूमन और फीमेल एनिमल्स में ये साइकिल चलता है, इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा। ठीक है, मलेरिया कंप्लीट होने पर प्रोटोजोन डिजीज कंप्लीट हुए, उसके बाद हमने पढ़ी फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में तीन मेन, टेनेरा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, ये हमने डिटेल में पढ़े। मतलब ये जो टेनेरा है वो क्या करते हैं, रिंगवॉर्म ग्रोथ करते हैं। उसके बाद वॉर्म डिजीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और वॉर्म डिजीज में फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस डिजीज जो कि कोज होती है एक राउंड वॉर्म से, जिसका नाम है वुटेरेरिया बैंक्रोप्टी, या फिलेरियल वॉर्म भी उसको बोलते हैं। राउंड वॉर्म बिलोंग करते हैं निमेटोडा या एस्के हेलमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिजीज हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉर्म। The diseases which are caused by infections of worm are called worm disease. Worm दो टाइप के होते हैं, फ्लैट वॉर्म जो प्लेटी हेलमेंट में आते हैं, और राउंड वॉर्म जो कि एस्के हेलमेंट यानी कि निमेटोडा में आते हैं। ठीक है, तो वॉर्म डिजीज में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम एलिफेंटियस। पैथोजन का नाम है वुटेरेरिया बैंक्रोप्टी। जिसको हम फिलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं, डिजीज को कोज करता है फिलेरियासिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, और सिस्टम अफेक्टेड है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम आपको पता होगा हमारी बॉडी में ब्लड के अलावा जो कोर फ्लूइड ट्रेवल करता है, जो कम बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम में डिजीज होती है एलिफेंट। इसमें जो वॉर्म है वो वेक्टर से ट्रांसफर हो जाते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, और ह्यूमन की बॉडी की जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें जाकर लार्ज स्केल पर टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे बॉडी की हैंडलिंग जो होते हैं पीछे की पैर जो है उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जो कि क्रोनिक है, लॉन्ग टाइम तक रहती है, और उस स्वेलिंग के कारण पैरों का साइज एलिफेंट के जैसा हो जाता है, इसलिए इसे जिसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। सीवियर केसेस के अंदर ये धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी डिजनरेट करना स्टार्ट करती है, जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन या सेल का प्रोडक्शन भी रुक जाता है। ठीक है, तो इसी पैथोजन का नेम, सिस्टम का नाम, एक्टेड ऑर्गन सिस्टम, क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिख दी। ओके, तो ये सारे हमने पढ़ा डिजीजेस का क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, ये कंप्लीट हुआ है। सेकंड पार्ट जो अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है इम्यूनोलॉजी। इसको आप बहुत अच्छे से समझते हुए चलें, नोट्स आपको बनानी है बुक में से ही, जो मैं सही करूँगा वो नोट्स आपको बनानी है। अब आप इम्यूनोलॉजी जो कि बारहवीं में आपकी कैसे जानती है उसके बारे में डिटेल में समझ सकता हूँ।
इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजी। क्या है संध्या? इम्यूनिटी आपने नहीं सुना होगा, इम्यूनिटी आजकल भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। इम्यूनिटी मीन द पावर ऑफ अवर बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करने की हमारी बॉडी की जो पावर है उसको हम बोलते हैं। किसी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो उसकी बॉडी पर पैथोजन का अटैक बहुत कम होता है। इम्यून सिस्टम द सिस्टम ऑफ अवर बॉडी विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। और इम्यूनोलॉजी स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तीनों डेफिनेशन आप यहाँ पर इम्यून सिस्टम के मैंने बोला है, फिर नोट बनाना स्टार्ट करें क्योंकि इसमें शायद नहीं दिया वो। उसके बाद डेफिनेशन और सुनिए आप, पैथोजन को मारने के लिए WBCs जिन किलर प्रोटीन्स को छोड़ती हैं वो किलर प्रोटीन एंटीबॉडीज यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो पैथोजन का एंटीजन को किल करते हैं और हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इम्यून सिस्टम का फंक्शन ही बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना ही है और इम्यून सिस्टम की मेन जो चीफ सेल है वो WBCs जिनको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी तीन डेफिनेशन और तीन सारी डेफिनेशन आपको लिख दिए जा रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम किस फॉर्म में, अगर आपको पूछा जाए भाई हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है या टिश्यू है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है या फिर सेल, तो आंसर होगा ऑल। कुछ सेल्स भी हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ टिश्यूज भी हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ ऑर्गन भी हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी के दो टाइप हैं, एक तो है इननेट इम्यूनिटी और एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नाम से क्या पता लग रहा है, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इननेट एंड द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच डेवलप आफ्टर बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय सम बैरियर फॉर बॉडी एंड नॉन इम्यून इम्यूनिटी जो बर्थ से प्रेजेंट है वो एक तरह से कुछ बैरियर है हमारी बॉडी में जिनके थ्रू पैथोजन को पास आउट होना है। अगर वो सभी बैरियर को तोड़कर चला गया तब तो इम्यून इम्यूनिटी फेल होगी और अगर उन बैरियर को ही कहीं ना कहीं पैथोजन रुक गया तो इम्यून इम्यूनिटी अपना काम करती, लेकिन वो बैरियर फिक्स है। फिक्स का मतलब यह है कि वायरस के लिए भी वही बैरियर है, बैक्टीरिया के लिए वही बैरियर है, फंगाई के लिए भी वही बैरियर है, प्रोटोजोआ के लिए भी वही बैरियर है। हम बोल सकते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है जिसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि बैक्टीरिया के लिए कुछ अलग से बनेगा, फंगाई के लिए कुछ अलग से बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हाई स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। हाई स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ टाइप का पैथोजन होगा उसके लिए एक्स टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होगी, स्पेशल टाइप की सेल या एंटीबॉडीज डेवलप होगी उसको मारे, वाई टाइप के लिए वाई टाइप का रेस्पॉन्स और उसी तरह की एंटीबॉडीज जेड टाइप के लिए जेड,
जितनी वैरायटी ऑफ पैथोजन उतनी ही वैरायटी ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स अगर जनरेट हो तो वो एक्वायर्ड हो जाते हैं, समझे। और अगर कॉमन बैरियर ही हो नोट की फॉर्म में आपको सारे बैरियर लिखने हैं तो मैं एक ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इम्यूनिट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो वास्तव में प्रेजेंटर पैथोजन से बताती है नॉन स्पेसिफिक और बैरियर के हेल्प से हमें पैथोजन से बताती है, तो वो इम्यूनिटी में कौन कौन से बैरियर है, फर्स्ट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब ये है कि पैथोजन की एंट्री के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्किन की आउटर मोस्ट लेयर डेड सेल्स, पीएच हमारी बॉडी में जो है वो इस तरह की है जो ज़्यादातर पैथोजन की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती, तो ऐसे बैरियर जो परमानेंट हैं और पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं उनको फिजिकल बैरियर बोलते हैं, और ऐसे बैरियर जो हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशन के कारण बने हुए हैं वो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर। पैथोजन की ग्रोथ होती है तो फिजियोलॉजी में क्या बैरियर हो सकता है, हमारे स्टमक की एसिडिक पीएच एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, मतलब ये इतनी एसिडिक पीएच है कि 99% पैथोजन या बैक्टीरिया तो पीएच के अंदर ही जाकर मर जाएंगे, तो पीएच अगर एसिडिक है और बैक्टीरिया मर गए तो इम्यूनिटी प्रोवाइड हो गई, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द बॉडी पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, ज़्यादातर पैथोजन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपना इफेक्ट शो कर ही नहीं पाते, तो इन्नेट इम्यूनिटी ने पैथोजन के आने पर कुछ स्पेशल नहीं किया, लेकिन बॉडी में पहले से ही स्पेशल कंडीशंस फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है बिना कुछ भी किए हुए बैरियर लगा हुआ है, सोचने की जरूरत नहीं, पैथोजन को डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं, पैथोजन को किल करने के लिए स्पेसिफिक सेल के डेवलपमेंट की जरूरत नहीं, बस उसकी ग्रोथ को रोक दिया गया, ठीक है। म्यूकस जनरेट होना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो डस्ट पार्टिकल पर होता है, पैथोजन पर होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। थर्ड सेलुलर बैरियर, अब सेलुलर बैरियर के लिए पता है कि मेन सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं वो डब्ल्यू बी सी है हमारी बॉडी में। अब डब्ल्यू बी सी की फॉर्म अलग अलग है, कोई लिम्फोसाइट है, कोई मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी विच अटैक द पैथोजन किल देम एंड देन डैमेज, तो ऐसी स्पेशल टाइप की डब्ल्यू बी सी को मैक्रोफेज बोलते हैं। मैक्रोफेज एग्जाम्पल है किसका, सेलुलर बैरियर का, PMNL इसकी फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, ऐसी सेल्स जिनके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी चेंज होती रहती है उनको बोलते हैं PMNL। उन सेल्स में भी ये कैपेसिटी होती है जो पैथोजन को किल कर सकते हैं, या तो वो एंटीबॉडी बनाकर या उसको डाइजेस्ट कर जाती है कंप्लीट, समझा। तो ये है सेलुलर और फोर्थ है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, देखो सेल्स में भी आपस में इस तरह का कोऑर्डिनेशन है कि हमारी बॉडी मान लीजिए दो सेल है वन और टू, इस सेल पर मान लीजिए एक वायरस ने अटैक किया, इस सेल में वायरस का अटैक हुआ है, अब ये सेल पूरी वायरस ने ओवरटेक कर ली है, इस सेल की तो डेथ अब होगी क्योंकि वायरस आपका इसके अंदर इन्फेक्शन के तुरंत बाद ये सेल नेबरिंग सेल के लिए कुछ केमिकल सीक्रेट करती है ताकि ये सेल इस वायरस के लिए कुछ डिफेंस की अपनी चार ओर लेयर बना ले या कोई प्रोटीन ऐसी बना ले जो उस वायरस को और ग्रो करने में आ, मतलब इस शहर ने जिसपे खुद पे अटैक हो गया था, जिसपे खुद पे वायरस का इन्फेक्शन हो गया था, उसने नॉर्मल शहर जो पड़ोस में है उसको बताने के लिए कुछ केमिकल्स छोड़े थे, उसको इन्फॉर्म कर रही है कि मुझ पर वायरस का अटैक हो गया है, खुद पे भी हो जाएगा तो दिक्कत।
दिक्कत हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी, उसको बताने के लिए जो केमिकल छोड़े उनको हम इंटरफेयर करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, दीज आर दी केमिकल सिक्रेटेड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल टू किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल, नहीं सॉरी टू प्रोटेक्ट वायरल इन्फेक्शन इन नॉर्मल, नॉर्मल सेल में वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए वायरस इन्फेक्टेड सेल से जो केमिकल सीक्रेट होकर आते हैं उनका हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। इंटरफेरॉन सिग्नलिंग का काम करते हैं, उस सेल को बताते हैं कि एक्स टाइप का कोई वायरस आ रहा है, उससे बचने के लिए कोई इंतजाम करना, ठीक है। तो ये चारों टाइप के जो बैरियर हैं आपको नोट्स में लिखने हैं, सबके एग्जाम्पल ये सब हमने इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये इम्यूनिटी बनते ही एक इंडिविजुअल में सेलेक्ट होती है, बाद में जरूरत नहीं, ठीक है समझे। नॉन स्पेसिफिक है और क्विक रेस्पॉन्स है, क्योंकि इसमें जो बैरियर बने हुए हैं वो पैथोजन को रोक देंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी, और अगर नहीं रोक पाए तो फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं होगी, फिर भेजना पड़ेगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। आगे दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ है एक्वायर्ड, ठीक है। तो ये बहुत सारे बैरियर जो बॉडी के अंदर देख सकते हैं, मान लीजिए कोई पैथोजन इन सभी बैरियर्स को पार करके बॉडी के टेम्परेचर को भी सहन कर रहा है, पीएच को भी सहन कर रहा है, लीवर के लेयर में भी नहीं पता, इंटरफेरॉन से भी नहीं डिटेक्ट हुआ, तो अब वो बॉडी में पहुंच गया, ब्लड में, टिश्यू में या ऑर्गन में पहुंच गया, तो वहां पर तो इम्यूनिटी काम करेगी, वो होगी एक्वायर्ड, ठीक है। तो ये तो बॉडी में बोल सकते हैं कि पूरी बॉडी एक बाउंड्री है, बॉडी एक खेत है, उस खेत के जो चारों तरफ मेल लगी होती है प्रोटेक्शन के लिए वो तो है इनेट इम्यूनिटी, और अगर उसको कोई पार करके आ गया तो अंदर हम प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए हैं वो है एक्वायर्ड। अगर उसने रोक गया तो अच्छी बात है, फिर प्रोटेक्ट हो गया, उसने नहीं रोका तो हमें रोकना पड़ेगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिस तरह का पैथोजन उस तरह का स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो बच्चे बाहर डेवलप होती है, ऐसी इम्यूनिटी जो हाई स्पेसिफिक होती है, ऐसी इम्यूनिटी जो टाइम टेकिंग है उसमें टाइम लगेगा, यहाँ तो बैरियर बनेंगे पहले से, यहाँ पर रेस्पॉन्स जनरेट करना पड़ेगा, और ऐसी इम्यूनिटी लो लॉन्ग लास्टिंग भी है, टाइम तो ज़्यादा लगेगा लेकिन कुछ पैथोजन के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त डेवलप होती है कि उस तरह का पैथोजन बाद में लाइफ में कभी भी उस बॉडी पर अटैक करे तो बच नहीं पाएगा, मार दिया जाएगा, क्योंकि तैयारी पहले से ही है। तैयारी किस तरह की तैयारी, समझा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इन्वॉल्व द रोल ऑफ लिम्फोसाइट। व्हाट आर लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है लिम्फोसाइट, जैसे मैक्रोफेज, जैसे न्यूट्रोफेज, इयोसिनोफेज, बेसोफेज, सारे डब्ल्यूबीसी तो है, तो स्पेसिफिक टाइप के लिम्फोसाइट का रोल होता है, और किस तरह के लिम्फोसाइट का रोल इसमें होगा उसके बेसिस पर ये इम्यूनिटी दो टाइप के होते हैं, ए एम आई सी एम आई। ए एम आई का मतलब है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड का टाइप है। सी एम आई का मतलब है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये एक्वायर्ड का टाइप है। ऐसी इम्यूनिटी जिसमें बी लिम्फोसाइट का रोल हो उसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड, और जिसमें टी लिम्फोसाइट का रोल हो उसको बोलते हैं सेल इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी है पैथोजन को ही मारेगी, तो ये सहने की कोई और काम करे। अलग अलग टाइप ऑफ पैथोजन के बेसिस पर सबने अपना काम बांट रखा है कि फंगल प्रोटोजोअन जो इन्फेक्शन होंगे उनको तो संभाल ले, वायरस या कैंसर करने वाली कोई सेल से रिलेटेड इश्यू हो कि वो बॉडी को हार्म कर सकती है तब मुझे बता दें। किसने कहा, टी लिम्फोसाइट ने कहा, ठीक है। तो नाम बी ओ टी, काम
पैथोजन को मार ला, लेकिन ये नाम कैसे रखा और किस व्याप पर रखा, कहाँ से निकलवाए ये नाम, कहाँ मिलते हैं ये नाम। तो नाम मिलते हैं उसका कहीं से रिलेशन तो होता ही है। बी बी के आइडिया तो वैसे ये लगता है, अगर आपसे मैं पूछूँ कि बॉडी में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बताओ, नहीं ब्लड सेल्स कहाँ बन रही है, तो आप बोलेंगे बोन मैरो में बन रही है। बोन मैरो कहाँ है, हमारी बड़ी बड़ी जो बोन है उनके एंड पर है बोन मैरो। किस प्रोसेस से बन रही है, हेमेटोपोइसिस प्रोसेस से बन रही है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। तो नई नई ब्लड सेल्स बोन मैरो में बन रही है, ये भी बोन मैरो में बन रही है, ये भी बोन मैरो में बन रही है, क्यों, क्योंकि लिम्फोसाइट की तो है, क्यों, क्योंकि लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी तो होती है, क्यों, डब्ल्यूबीसी तो ब्लड सेल तो है। मतलब ये कि ब्लड सेल बनता रही है बोन मैरो, ब्लड सेल बनता रही है बोन मैरो, समझे। तो ब्लड सेल बन के आ रहे हैं बोन मैरो में, लेकिन नाम इनका अलग अलग क्यों हो गया, इसके पीछे रीजन क्या है। बी लिम्फोसाइट सबसे पहले हार्ट के लिम्फोइड ऑर्गन में डेवलप होकर डिस्कवर हुई थी, जिसको बोलते हैं बर्सा ऑफ एंडेथियस। ये ब्लड की बॉडी का एक लिम्फोइड ऑर्गन है, जहां पर लिम्फोसाइट बनती हैं, स्टोर होते हैं, जिस तरह हमारे बोन मैरो। तो वहां से भी लिया गया है बी फोर बोन मैरो में, बी फोर बर्सा ऑफ एंडेथियस। बोन मैरो में बाई चांस बी से शुरू हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। फिर टी लिम्फोसाइट का मतलब क्या है, लिम्फोसाइट तो डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी तो सारी कहां पर बन रही है, बोन मैरो में। तो टी का मतलब कोई आइडिया लगाए, टी मतलब थाइमस, और थाइमस एक ग्लैंड है, कहां पर है, चेस्ट रीजन में है। क्या काम है, टी लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन करवाना, प्रोलिफरेशन करवाना, डिफरेंशिएशन करवाना, मतलब स्टोरेज इस तरह से क्या है, बन के आएंगे बी मैरो बोन मैरो, बी मैरो बी बोन मैरो, पर स्टोर होगी थाइमस में, प्रोलिफरेट होगी थाइमस में, तो ज्यादा समय होगी थाइमस में, इसलिए उनका नाम हो गया टी। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ बी एंड टी इन बी एंड टी लिम्फोसाइट, आप आंसर करेंगे बी मीन बर्सा ऑफ फैब्रिजियस, ब्रैकेट में लिखते हैं ए लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट इन ब्लड, टी मीन थाइमस, द ग्लैंड वेयर दे डिफरेंशिएट एंड प्रोलिफरेट, राइट, समझे आप। तो ये दोनों ही सेल्स मिलकर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन काम बांट रखा है, तो उसके बेसिस पे इम्यूनिटी के भी टाइप बन गए। किस तरह काम करती है देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी किस तरह काम करती है, ये मान लीजिए कि एक एंटीजन है, ये एक पैथोजन है, और पैथोजन का वो पार्ट जिसको कोई डब्ल्यूबीसी पहचान कर एंटीबॉडी बनाए, उस पार्ट को बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन और पैथोजन लिखते हैं, पैथोजन डिजीज को डिनोटेशन, और एंटीजन द सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ पैथोजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी इज कॉल्ड एंटीजन। फॉरेन पार्टिकल के तौर पर जिनको पहचानती है डब्ल्यूबीसी, ये पैथोजन है, और ये डब्ल्यूबीसी है, ये लिम्फोसाइट। तो क्या हुआ, क्या होगा कि पैथोजन आया या किसी या ऑर्गन कहीं भी हर जगह बी लिम्फोसाइट ने अपना जाल बिछा रखा है, लीवर में भी मिलेंगे, ब्रेन में मिलेंगे, किडनी में भी मिलेंगे, ब्लड में भी मिलेंगे, ब्लड वेसल के बाहर में मिलेंगे, अंदर भी मिलेंगे, बड़ी जो मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सारी ट्यूब के अंदर की बोल से चिपकी हुई है, कि कहीं ना कहीं से तो आएगा, आएगा तो बच्चे नहीं जा पाएगा, इसलिए हर जगह बॉडी में डब्ल्यूबीसी चिपकी हुई है। नोस्ट्रिल से एंटर हुए म्यूकस में लिम्फोसाइट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से किसी डक्ट में गया पैथोजन छूटने के लिए, वहां बैठे लिम्फोसाइट,
छुप के भाग के ब्लड में आ गया, ब्लड में बहुत सारी तैर रही है लिम्फोसाइट, ब्लड से ट्रेवल करके लीवर में चला गया, वहाँ पर रखी हुई है पहले से ही लिम्फोसाइट, लीवर पर छोड़ के किडनी में गया, वहाँ पर तैयार है मैक्रोफेज को खाने के लिए, किडनी को छोड़ के ब्रेन में गया, वहाँ पर भी तैयार बैठी है एंटीबॉडी बना सकती, मतलब सोल्जर पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। काम क्या कर रहे हैं, बॉडी को टेररिस्ट अटैक से बचाना। यहाँ पर बॉडी एक कंट्री है, WBC सोल्जर हैं और टेररिस्ट कौन है, पैथोजन, पैथोजन टेररिस्ट है, उसको मारती है बुलेट और बुलेट मार देती है उस पैथोजन को। तो बताओ बुलेट क्या है, जो लोग 15 सेकंड में आंसर कर देंगे वो है जीनियस, बाकी समझने में दिमाग कम लगाते हैं, रटने में ज्यादा लगाते हैं। काम कर लो 15 सेकंड आ जाए तो ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाए, हो गया होगा। तो आंसर है एंटीबॉडी, जिसने यही आंसर सोचा था उसको बधाई हो, वो अच्छे से समझ रहे हैं, जिसने नहीं सोचा था उसको आगे समझने की जरूरत है। तो WBC अगर सोल्जर है तो बुलेट है एंटीबॉडी। यहाँ जैसे ही पैथोजन आएगा इस WBC में एक डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन होकर दो बनेगी, एक बनती है मेमोरी सेल और एक बनती है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल को हम इफेक्टर सेल बोलते हैं, इफेक्टर सेल आप बनाएंगे बुलेट, बुलेट को बोलते हैं एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी से एंटीजन को जाकर चार तरफ से घेर लेंगे और घेर के धीरे धीरे उसका लाइसेंस करके उस पैथोजन को ही मार देंगे। अब ना रहेगा पैथोजन और ना बचेगी, ना होगी बीमारी, ठीक है। तो पैथोजन क्या हो गया, यही एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के पॉइंट। अब आपके पास सुन लो क्या क्या हुआ है, यहाँ पर समझ में पाई थे, फर्स्ट पैथोजन एंट्री इनटू बॉडी एंड पैथोजन रिसेट टू टारगेट टिश्यू और ऑर्गन, पैथोजन ने बॉडी में एंट्री की और टारगेट टिश्यू ऑर्गन तक पहुँच गया। सेकेंड एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट विच डिवाइड टू फॉर्म मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल, दूसरा पॉइंट। तो आप इन पॉइंट के फॉर्म में लिख दे रहे इसको नोट बनाकर ये डायग्राम। अब नोट आपको बनाने आने के लिए 12th क्लास में हो गए हो, NCERT बुक साइड में रख लो, वीडियो चला लो, इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो नोट करते जाओ, बाकी नोट बुक है मैं भेज ही रहा हूँ, नोट कोई भी एक्स्ट्रा चीज वो ऐड कर लेते हैं, NCERT बुक में देता हूँ ऐड करते जाओ, इतने समझदार तो हो ही, तुम लोग समझदार तो इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन इतने तो हो ही कम से कम। पैथोजन है, तीसरी स्टेप में क्या होगा, इफेक्टर सेल विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी विच विल बाइंड विद पैथोजन टू किल इट एंड मेमोरी सेल्स विल बी स्टोर्ड इन बॉडी फॉर फर्दर इन्फेक्शन बाय सेम पैथोजन। मतलब याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि कभी कोई पैथोजन आया, कैसे याद रखते मेमोरी सेल बनाते, मेमोरी सेल क्या मतलब, मेमोरी रखने वाली सेल, मतलब यह है कि एक्स साइज का पैथोजन अगर पहली बार दोस्त पर अटैक करेगा तो ये सारा काम होगा, तब टाइम लगेगा उसको मारने के लिए, लेकिन वही एक्स साइज का पैथोजन दोबारा से जब अटैक करेगा तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तैयारी पहले से ही है जीत की। कैसे जीत की तैयारी है, मेमोरी सेल तो तैयार है पैथोजन के लिए पहले से ही पता होगा, हाँ वो वाला पैथोजन आएगा तो हम देख लेंगे, बाकी तो तुम देख लेंगे, ठीक है। तो पैथोजन को किल करने के लिए बार बार मेमोरी सेल, जब मेमोरी सेल अटैक करूँ तो बार बार ये सारी कहानी दोहराने की जरूरत नहीं, आया और गया, ठीक है। इसीलिए इम्यून रेस्पॉन्स दो टाइप का होता है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, जिसको हम एनामनेस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। अब आप बता दीजिए कौन से में टाइम ज़्यादा लगेगा, प्राइमरी में या सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में सारी कहानी होती है, आएगा पहचानेगी डिवाइड करेगी फिर एंटीबॉडी क्रिएट करेगी फिर एंटीजन को किल करेगी, बहुत लंबी कहानी। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में आएगा मारेगा बहुत छोटी कहानी, इसलिए ऐसा इम्यून रेस्पॉन्स जो पैथोजन के फर्स्ट अटैक पर डेवलप होता है प्राइमरी होता है, सेकेंड टर्शियरी जो फर्दर अटैक पे डेवलप होगा वो सेकेंडरी होगा, ये स्लो होगा ये फास्ट होगा,
इसमें मेमोरी कार्ड पहले से प्रेजेंट नहीं है, इसमें मेमोरी कार्ड पहले से ही प्रेजेंट हैं, इसलिए बार बार दादागिरी नहीं चलेगी। पहले आया था तो पहचान लिया गया था, सारी स्टेप फॉलो कर ली गई थी, अब कोई स्टेप नहीं फॉलो होगी। मेमोरी कार्ड अपनी ही चलाएंगी बुलेट, और बुलेट कर देंगे उनको। ठीक है, ये है एंटीबॉडी इंडिकेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, मैंने कहा कि इन्होंने काम बांट रखा है, इसमें क्या है, बैक्टीरिया प्रोग्राम समझा यानी देख लेना, वायरस एंटर से कोई और आए तो बता देना, मैं देख लूँगा। देख लेने का मतलब क्या है, सारा काम यही करेंगे तो वो क्या करेंगे। टी सेल का काम क्या है, टी सेल का काम करते हैं, छोटा ही काम करते हैं, वैसे इनडायरेक्टली तो बी को नहीं कर रहे हैं उनका काम, लेकिन उनका काम ये है कि बॉडी में कोई कैंसर सेल डेवलप हो और वो बाद में स्प्रेड होकर ट्यूमर बनाए, उससे पहले ये टी सेल कैंसर सेल को ही मरवा देते हैं। बॉडी में अगर कोई वायरस अटैक करते तो वायरस से भी रहेंगे, डीएनए वायरस अटैक करें तो डीएनए वायरस इसको आराम से मार देते हैं, गड़बड़ी से आरएनए वायरस अटैक करें तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारा जेनेटिक मटेरियल का ही फर्क है। डीएनए वायरस ही होता कोरोना तो आज तक हजार वैक्सीन बन जाते हैं, एम्स में नहीं पैरोड में बन जाते दो चार, क्यों, क्योंकि उस वायरस की फिक्स रेट होती, कई साइंटिस्ट बैरल बनाने को तैयार है, फिक्स रेट हो तो उसके लिए फिक्स टाइप का वैक्सीन बनाना बड़ा इजी है, लेकिन कोरोना सार्स वायरस का एक म्यूटेंट है जिसमें जेनेटिक मटेरियल एसएचआरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और हमने ये पढ़ा है कि आरएनए तो बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है इसका मतलब म्यूटेशन रेट तो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है मतलब वो वायरस को बहुत सारी शेप ले सकता है तुरंत, इसका मतलब क्या है, इसका प्रतिकार का मतलब ये है, एक बॉडी में वो वायरस किसी और फॉर्म में अटैक करेगा, दूसरे में किसी और फॉर्म में, तीसरे में किसी और फॉर्म में, हम किस किस फॉर्म के लिए वैक्सीन डिजाइन करेंगे, इसीलिए तो वैक्सीन नहीं बनता, समझे। जिन वायरस में रेट ऑफ म्यूटेशन बहुत फास्ट होती है उनके लिए वैक्सीन डिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है, समझे। इसलिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या करेगी, देखें आप कोई भी पैथोजन आए, वायरस आए, मान लीजिए ये वो पैथोजन है, वायरस है, इस वायरस को ये टी सेल खा जाएगी कंप्लीटली, और खाने के बाद अपनी सप्लीमेंट पर एंटीजन दिखाएगी, ये देखो इस तरह का वायरस आया था, और ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, कौन वही वीडियो बताएगी, फिर वो एंटीबॉडी बनाएगी, वो एंटीबॉडी जाकर उस पैथोजन को किल करेगी। इनडायरेक्टली तो बी लिम्फोसाइट में काम चला, लेकिन इस एंटीजन को प्रेजेंट करने की एबिलिटी सिर्फ टी सेल्स में ही है, इसलिए आप टॉप पर एक पॉइंट लिख देना, ड्यूरिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल्स एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, तो ये है एएमआई और सीएमआई, आपको ये कंप्लीट होते टी सेल्स में, जिसके लिए इनेट इम्यूनिटी एक्वायरिंग इम्यूनिटी ग्रैंड चार एएमआई सीएमआई ने डिफेंस चार कंपनी, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स का डिफरेंस तीन कंपनी, टेबल होनी चाहिए तो यहाँ पर इसको ह्यूमर इम्यून रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, ह्यूमरल एंटीबॉडी बात क्लियर है आपको, इम्यून सिस्टम और इम्यूनोलॉजी अब हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया अगर सभी को, तो अब हम पढ़ लेते हैं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी क्या है, डेफिनेशन आपको पहले क्लियर होना चाहिए, कई बच्चे एंटीबॉडी
बॉडी और एनर्जी बायोटिक की डेफिनेशन को मिक्स करते हैं, उसकी जगह वो इंटरचेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं करते। दोनों में फर्क है, क्या फर्क है आप इसके तुरंत बाद एक्सेप्शन में लिख देना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटी बायोटिक एंड एंटी बॉडी, उसी से पता लग जाएगा। क्या लिख देता हूँ आपको डिफरेंस, आप मेंशन कर लेंगे नोट्स में कर दिया। एंटीबायोटिक और एंटीबॉडी टेबलर फॉर्मूले में ना ये लगातार चौथी टेबल हो गई है, तीन मैंने बता दी, ये चौथी है। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स सिक्रेटेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रो। ये ऐसे केमिकल हैं जो एक टाइप के माइक्रोब से रिलीज होकर दूसरे टाइप के माइक्रोब की ग्रोथ को रोकते हैं या माइक्रोब को किल करते हैं। एंटीबॉडी दीज आर किलर प्रोटीन सीक्रेटेड फ्रॉम WBCs विच किल द किल। तो डिफेंस दोनों इंटरचेंज नहीं करें आप, उसके बाद एंटीबॉडी एंटीबॉडी एक वाइड चेन स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो हैवी चेन और दो लाइट चेन होती हैं, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं वाइड चेन की तरह की स्ट्रक्चर बनती है एंटीबॉडी। आपके ग्रुप के कवर प्लेट बनी हुई है और चैप्टर के अंदर तो है ही, इस पर अलग अलग साइड से इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। डाई सल्फाइड बॉन्ड टोटल होते हैं 16 डाई सल्फाइड बॉन्ड, जिनमें से 12 होते हैं इंट्रा चेन और 4 होते हैं इंटर चेन। इंट्रा मतलब चेन के अंदर के अंदर और इंट्रा मतलब चेन के अंदर के अंदर और इंटर मतलब दो चेन के बीच, दो चेन के बीच और 12 हो जाएंगे इंट्रा चेन दो। एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है। तो इस तरह से मिलाकर बॉन्ड हो जाते हैं दो तरह के बॉन्ड होंगे इंट्रा और ये इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट वो साइट है जिस पर कि जिसके थ्रू ये बाइंड करेगा जाकर एंटीजन से, ठीक है। एंटीबॉडी WBCs से सीक्रेट होती हैं, इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन का क्लासिफिकेशन या ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप ये चेक करें और उनकी पोजीशन जो डायग्राम में है उसी तरह से बनाए। इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ चेंज हो सकता है तो आप बुक में कंफर्म कर लें, ठीक है।
एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं क्योंकि ये ऐसी ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसमें एंटीबॉडीज को क्लासिफाई किया गया है 5 अलग अलग कैटेगरी में, IgE, IgD। यहाँ पर IgE का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन से है। दो तो कोई सब के बारे में लिखते हैं कि इसमें नहीं किया हुआ, यहाँ पर लिख दिया मदर में फीटस जब डेवलप हो रहा होता है तो उसके ब्लड में से प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए फीटस के ब्लड में आ सकते हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फीटस। जब फीटस खुद डेवलप हो रहा है मदर की बॉडी में तो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, काफी तरह के बनाकर लिखने हैं सारे नोट डाउन कर रहे हैं, नोट में नहीं लिखनी है, इससे करते हैं। IgA को बोलते हैं सीक्रेटरी एंटीबॉडी जो कि बॉडी सीक्रेशन में होती है। बॉडी की क्या सीक्रेट होता है? सलाइवा में भी होती है, मिल्क पीएस फैट उसमें भी कुछ मात्रा में होती है। एंटीबॉडी की एंटीबॉडी क्या ये डाइजेस्ट होती है, दो एक साथ चिपकी हुई रहती है, जबकि IgM मोस्ट प्रोमिनेंट है कि सबसे ज्यादा यही बनती है, ज्यादातर इन्फेक्शन के केस में यही बनती है क्योंकि पांच पांच के ग्रुप में जाती है और जाके खेल लेते चारों तरफ। ठीक है, इसको बोलते हैं एलर्जिक एंटीबॉडी, एलर्जिक। ठीक है, लैब कंसंट्रेशन और ये भी मोनोमेरिक ये भी मोनोमेरिक है और IgG भी मोनोमेरिक है। IgA हाइब्रिड और IgM पेंटामेरिक होती है, पांच की साथ मिलकर अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन। इस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम इम्यूनोलॉजी और इम्यूनिटी के अंदर दो टाइप की इम्यूनिटी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर ये सब कंप्लीट होता है। अपनी इम्यून सिस्टम और बता हुआ है जिसमें हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम में कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन टिश्यूज और सेल्स आती है, उनके क्या डिफरेंस है, क्या उनके फंक्शन है, ये सब। ठीक है, तो यहाँ तक का अच्छे से नोट्स बनाएं जो मैं सेंड कर रहा हूँ उसमें से। एनसीईआरटी बुक जरूर साफ करते हैं कि कोई पॉइंट रह ना जाए, कोशिश में कर रहा हूँ कोई पॉइंट रहना नहीं चाहिए। और नोट्स जो मैं यहाँ पर भी ऊपर समझा रहा हूँ उसमें ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा पॉइंट भी है वो आपको ऐड करने जरूरी है। थोड़े सिंसियर होकर नोट्स बनाएं, फॉर्मल के लिए नोट्स नहीं बनाएं, आप अपने लिए बना रहे हैं, अपने बोर्ड की तैयारी के लिए बनाएंगे, अभी तक से बना के चलेंगे तो बाद में फिर समझ में आएगा। समझे, यहाँ तक सभी को समझ में आ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो आप तुरंत वीडियो देख कर जैसे ही पोस्ट होता है रेडी है 2 बजे के बाद तुरंत वीडियो देख कर नोट्स बना के तैयार कर दें और फिर हम डाउट क्लास को जूम में लेंगे, उसमें जरूर कनेक्ट होकर अपने डाउट प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आगे के लिए बिल्कुल मत छोड़ो, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, टाइम है तैयार कर। ठीक है, तो समझने का चैप्टर है और लगभग 30% 35% के करीब हो गया है, थोड़ा बड़ा चैप्टर। तो आप साथ साथ नोट्स बना के समझते हुए चलें, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।